वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली योर लैंग्वेज टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास होगी WH फैमिली। WH फैमिली में हम WH से जितने भी हमारे वर्ड शुरू होते हैं वो सारे वर्ड्स की नॉलेज हम आज के लेसन में सीखेंगे। तो अक्सर हम क्वेश्चन करते रहते हैं, अगर हम किसी कन्वर्सेशन में भी कर जाते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो कन्वर्सेशन भी हमारी क्वेश्चंस पर ही टिकी रहती है। मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन हमसे क्वेश्चन करेगा तभी तो हम उसका आंसर देंगे। हमें कन्वर्सेशन भी क्वेश्चन और आंसर के बीच चलती है, लेकिन जो मेन जो है इसमें वो हमारा क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हम किस तरह से करें और क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं हमारे, वो क्वेश्चन वर्ड यानी इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, वो जो इंटरोगेटिव वर्ड्स है जो हमारे WH वर्ड्स है, वो सब हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स सीखें हम WH वर्ड्स। देखिए WH फैमिली हमारी क्या क्या होती है। WH फैमिली जो भी हमारे WH वर्ड्स है वो सब WH फैमिली के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे who है, where, when, why, whose, what, which, how many, how much, what time, what for, इसी तरह से हमारे काफी सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं WH वर्ड्स मतलब ये सीक्वेंस की इस तरह ही या ऐसे कुछ नहीं। WH है तो यहाँ हमारा यहाँ H से भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब आगे पीछे भी हो सकता है H और W। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वो है who, who means कौन, कौन मतलब हु जो है हमारा ये सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं तो उस जगह हमारा ये हु काम आता है। हु मींस होता है कौन। जब हम किसी पर्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम वहाँ हु से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से, किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमें कहना है तुम्हारे साथ कौन है, ठीक है, या तुम कौन हो, हु आर यू, इस तरह से हमें तुम्हारे बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें वहां हु से क्वेश्चन करना है। ओके, हु मींस कौन, ठीक। एंड सेकंड है हमारा वेयर। वेयर का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें किसी प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। वैसे इसका जो मीनिंग है वो होता है कहां, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जाना चाहते हो, तो ये हम किसी स्थान के बारे में उससे जानना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ हमें जानकारी किसी स्थान के बारे में जानना होता है, वहां हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, इस तरह से हम वेयर से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन के लिए, और कहाँ हमें कहाँ से क्वेश्चन करना है किसी से, तो हम वेयर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और थर्ड है हमारा कब यानी व्हेन। When का यूज हमें किस टाइम तक, कब, जब हमें किसी के बारे में पूछना होता है, जैसे तुमने खाना कब खाया, तुमने ये कब किया, तो यहाँ हमें उसके बारे में पूछना है, जानकारी निकालनी है, तो हम वहां पर when से क्वेश्चन करेंगे। किसे करेंगे क्वेश्चन, when से, ठीक है। कभी भी हम कब से, अगर हमारे हिंदी में इस वाक्य में कब आ रहा है तो हम वहां क्वेश्चन when से करेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा why। Why यानी क्यों, ठीक है। किसी भी चीज का हमें रीजन पूछना होता है, भाई ऐसे क्यों किया तुमने, ठीक है, तो हम वहां पर why से करेंगे क्वेश्चन, why, ठीक। why से क्वेश्चन करेंगे तो हम किसी का रीजन पूछना चाह रहे हो, ठीक है। इसका जो मेन मीनिंग होता है क्यों। एंड नेक्स्ट है हमारा who, who means किसका या किसको या किसकी, ठीक है। इन सबके लिए हम whose का यूज करेंगे, जैसे कि तुम ये गिफ्ट किसको दोगे, ठीक है, या किसको देना चाहते हो, तो इस तरह से हमारे सेंटेंस है उसमें हम हुज का स्टार्ट, हुज से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट वन है व्हाट। व्हाट मींस क्या, बहुत ही एकदम से अच्छा है कि सब बहुत सारा यूज भी होता है। व्हाट मींस क्या, जहां पर भी हमें क्या का यूज करना है, क्या का यूज जब हमारे वाक्य के बीच में आए, क्या जब वाक्य के बीच में आए तभी हम वर्ड का यूज करते हैं। वाक्य के बीच में आना चाहिए क्या, ठीक है ना। क्या जो वर्ड है वो हमारा जब वाक्य के बीच में आता है तभी हम उसकी इंग्लिश वर्ड बोलते हैं। ऐसे दो तरह से होता है,
क्या तुमने खाना खा लिया? तो यहाँ अगर क्या आया है वो फर्स्ट सेंटेंस में शुरू में आ गया और हमें बोला है तुमने खाने में क्या खाया, तुझे क्या आया है ये वाला वर्ड जो सेंटेंस के बीच में है, तो इस वाले क्या की इंग्लिश हम व्हाट लगाएंगे। ओके, तो जो हमारे क्या वाक्य के बीच में आता है उस क्या के लिए हम इंग्लिश की व्हाट लगाते हैं, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट वन है विच बीच मिस होता है कौन सा, ठीक है। विच मिस होता है कौन सा, जहाँ हमें च्वाइस करनी होती है किसी चीज की च्वाइस के बारे में कहना होता है तो हम वहां पर विच से क्वेश्चन करते हैं विच, ठीक है ना, कि भाई तुम्हें कौन सी किस पसंद है, कौन सी ड्रिंक पसंद है, तो इस तरह से जो हमें किसी च्वाइस के बारे में जानना होता है तो हम वहां पर विच से क्वेश्चन करेंगे। एंड नेक्स्ट में हमारा हाउ, हाउ मीन्स कैसे, ये भी हमारा इंटरोगेटिव ही वर्ड है, क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ मीन्स कैसे, ठीक है, कैसे, जैसे कि तुम यहाँ कैसे, ठीक है, तो कैसे यहाँ पर हमें उससे पूछना है तो हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ऐसे हमारा हाउ मैनी और हाउ मच, ये दोनों ही जरा ध्यान से समझे, दोनों की हिंदी कितना होता है, कितना या कितने, ठीक है, कितना या कितने, दोनों का मीनिंग हाउ मैनी होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें कहाँ यूज करना है, हाउ मैनी का यूज हम वहां करेंगे जो हम उस चीज को गिन सकते हैं, काउंटेबल को, जैसे हम बोले तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, भाई क्लास में जो बच्चे हैं वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम उन्हें, तो हम उस कितने के लिए हाउ मैनी का यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ काउंटेबल है वहाँ हाउ मैनी का यूज करेंगे। और अब बात करते हैं ये हाउ मच में कितना और कितने के लिए आता है, बट ये यूज वहां करेंगे जहाँ अनकाउंटेबल होता है, जो हम गिन नहीं सकते। सर बोले डब्बे में कितनी चीनी है, तो वो चीनी हम गिन थोड़ी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वहां हम हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच, ठीक, याद रखना जो काउंटेबल है वहां हाउ मैनी का यूज करेंगे और जो अनकाउंटेबल है वहां हम हाउ मच का यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों की जो हिंदी होती है वो वही निकलती है कितना या कितने। अब हमारा नेक्स्ट व्हाट टाइम किसी से हमें पूछना होता है, भाई तुम दहली किस टाइम जा रहे हो, ठीक है ना, किस टाइम जा रहे हो, तो हम किस टाइम जो हमें समय पूछना है उस पूरे की इंग्लिश लगाएंगे व्हाट टाइम, ठीक, व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू दहली, इस तरह से हम व्हाट टाइम से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। व्हाट टाइम जब हम किसी से समय के बारे में जानना चाह रहे होंगे तब हम व्हाट टाइम से क्वेश्चन करेंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट हमारा व्हाट फॉर मतलब किस लिए, ठीक है, हम कह रहे तुम किस लिए जा रहे हो, ठीक है, किस लिए जा रहे हो, व्हाट फॉर आर यू गोइंग, तो यहाँ हम ये व्हाट और प्लस फोर इसको मिलाकर भी हमारे एक न्यू क्वेश्चन वर्ड बन गया, व्हाट फॉर मतलब किस लिए। ये जो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो डब्ल्यू एच वर्ड अगर आपको अब तक नहीं आती है तो प्लीज मेरे इस वीडियो में आपने सीख ली होंगे, और अगर आपने अभी तक राइट नहीं किया तो प्लीज कॉपी पेन लाए और इसको राइट कर लें, नहीं राइट किया तो मेरी वीडियो में इसमें आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको डब्ल्यू एच फैमिली डब्ल्यू एच वर्ड समझ आए हो, और अगर समझ आए हो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।